दोस्तों, जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने एक और एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। अगर आपने भी जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म अप्लाई किया था तो आज आपका रिजल्ट आ चुका है, यानी आज आपकी फर्स्ट लिस्ट को डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि आपकी एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाने होंगे आपको, आपका कट ऑफ कितना गया है और ये सभी फॉर्मेलिटीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आप यहां पर कोर्स नेम दे सकते हैं पीजी डिप्लोमा इन लेबर लॉ। तो दोस्तों, आपने भी अगर इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था तो आप अपना यहां पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जैसे आप एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ में यहां पर आप देख सकते हैं आपकी जो एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ जो आपकी डेट है वो आपकी 1 तारीख से 3 तारीख तक है, यानी आपको 1 से 3 तारीख के बीच में सभी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना होगा। वहाँ पर इन द ऑफिस ऑफ द डीन फैकल्टी ऑफ लॉ में आपको जाना होगा। दोस्तों, जैसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं तो आपको वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे और आप यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लिस्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट लिस्ट आपकी कब आने वाली है, बिकॉज बहुत सारी कमेंट आती रहती हैं कि नेक्स्ट लिस्ट कब आने वाली है। तो आपकी जो नेक्स्ट लिस्ट आएगी वो आपकी 7 तारीख तक आ जाएगी, आपका 1-2 दिन लेट भी हो सकता है, 8 या 9 तारीख में भी आ सकती है। तो आइए देखते हैं आपका कट ऑफ कितना गया है। आप यहाँ पर कोर्स नेम दे सकते हैं, आपकी जो लिस्ट है आपकी फर्स्ट लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट है, तो आप यहाँ पर कट ऑफ देख सकते हैं। जनरल का जो कट ऑफ गया वो यहाँ पर 29, मुस्लिम का जो कट ऑफ गया वो यहाँ पर 15.75, मुस्लिम वीमेन का जो कट ऑफ गया वो यहाँ पर 15। आइए लिस्ट के बारे में देखते हैं, तो आप यहाँ पर जनरल की लिस्ट देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर। तो दोस्तों, अगर अब भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।